सभी अभिभावक महोदयों को। आज पर शिशु वाटिका में 12 व्यवस्था होती है, जिसमें से एक व्यवस्था है वस्तु संग्रहालय। तो मैं आज आपको वस्तु संग्रहालय के बारे में बताऊंगी। देखो, एक जैसी बहुत सारी चीजें एकत्रित करना, इसको क्या कहते हैं? वस्तु संग्रहालय। जैसे अपन ने एक जैसे घर में कितने तरह के अनाज होते हैं, बहुत तरह के अनाज होते हैं ना, और दालें भी होती है बहुत तरह की। तो अपन भी क्या कहते हैं, देखो ये एक बहुत सारे अनाज ले लिए एक साथ में एक जैसे, और फिर अपन क्या करते हैं, देखो इनके माध्यम से अक्षर बनाना सीखते हैं। आप अभिभावक महोदय सभी क्या करोगे, बच्चों को घर पर ये अलग अलग तरह के अनाजों की जानकारी देंगे। जैसे देखो ये है बाजरी, इसमें क्या है? बाजरी। इसमें है गेहूं, क्या है? गेहूं। इसमें देखो ये है चावल, क्या है? चावल। इसमें देखो ये है मोठ, क्या है? मोठ। ये इसमें है देखो मूंग, क्या है? मूंग। इसी तरह से देखो इसमें अपन घर में पिस्ते काम लेते हैं ना, तो उनके वो छिलके होते हैं ना, उन छिलकों को उतार के इकट्ठा किया हुआ है, ये क्या है? पिस्ता के छिलके। वैसे देखो ये है मक्की, क्या है? मक्की। इस तरह से अपन क्या करते हैं, अपन के घर में ना अलग अलग तरह के, सभी घरों में अलग अलग तरह के अनाज होते हैं, तो बच्चों को भी बताना है कि ये कौन सा अनाज है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। आज अपन क्या करते हैं, देखो ये पिस्ता के छिलके है ना, इनसे अंक बनाना सीखते हैं। क्या करते हैं? अंक बनाना सीखते हैं। देखो ये बन गया एक, और बच्चा भी क्या करेगा, इस तरह से सभी अभिभावक अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चा भी एकदम रुचि से ये देखेंगे और इसमें एकदम रुचि लेंगे, और वो भी मतलब इसको लिखने में ये से बनाने में बहुत ही अपनी जिज्ञासा रखेंगे। देखो ये दो बन गया है। बच्चा अगर अपने हाथ से करेगा इसको तो फिर वो एकदम मतलब रुचि से और एकाग्र होकर करेगा और इस चीज को कभी नहीं भूल पाएगा। देखो ये बन गए एक, दो और तीन, ये तीन अंक बन गए। इसी तरह से अपन बच्चों को आगे और भी सारे 1 से 10 तक अंक लिखवाएंगे और अभ्यास करेंगे, और बच्चा जरूर इसमें रुचि लेगा, और वो फिर ये क्या करेगा, ये अपने हाथ से करेगा ना, तो फिर वो कभी नहीं भूल पाएगा इन अंकों को। अब अपन क्या करते हैं, एक से विषय पहचानते हैं और 1 से 10 तक इनको पहचान करवाई थी, अब आगे अपन क्या करेंगे, 11 से 20 तक पहचान करेंगे और 1 से 30 तक वापस दोहराव करेंगे। ये कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। ये कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। ये कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। ये
सात आठ नौ दस ग्यारह